हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा। पिछली क्लास में मैंने आपको झारखंड के इतिहास का इतिहास के बारे में बताया, जो कि भूगर्भिक था, ऐतिहासिक था, जो कि आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आज मेरे मन में एक सवाल उठा कि आज मैं झारखंड के इतिहास में मुगल काल में कुछ चर्चा कर लूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। मैं पिछले क्वेश्चन या फिर सेट वगैरह में या फिर जेपीएससी के कुछ कुछ सेट में देख रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत इजी थे और स्टूडेंट मतलब आता सबको है, पर क्वेश्चन पूरा घुमाया हुआ था। तो अच्छा, जाके क्लास इसको ले लिया जाए। तो आज हम बात करेंगे झारखंड का इतिहास में, जो कि दूसरा क्लास है मेरा, झारखंड के इतिहास में मुगल काल में झारखंड। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो उसके बाद मुगल काल अपना सत्ता ये हासिल करने लगा था और अपना मतलब बच्चा से बढ़ाने लगा था। तो उस समय झारखंड की स्थिति क्या थी, झारखंड कहाँ पे था और झारखंड में क्या चल रहा था उसमें, ये हम लोग जानेंगे। तो बात है कि 1526 ईस्वी में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब जितने हैं सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका उसकी क्या स्थिति थी, क्या स्टेटस था, क्या इकोनॉमिकली क्या था झारखंड, कैसे पता चला कि झारखंड है, झारखंड का खोज कैसे हुआ, मतलब राजा महाराजा के काल में, मुगल काल में। तो देखिए, 1526 से 1540 माना जाता है झारखंड में मुगल काल का पीरियड, 1526 से 1540 पानीपत का प्रथम युद्ध के समय। तो कोई भी चीज़, देखिए कोई भी राजा या फिर कोई भी व्यक्ति, आज के डेट में जनरल व्यक्ति ले लीजिए, किसी पे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है कि हम अपना सत्ता फैलाएं, अपना वर्चस्व बढ़ाएं, हम उससे आगे रहें। सबको चाहता है कि हम उससे आगे रहें और अपना वर्चस्व बढ़ाते रहें और मेरा सत्ता चलते रहे। सब कोई अपना अधिकार चाहता है, अपना ऊँचा पोस्ट चाहता है, अपना वर्चस्व बढ़ा के दिखाना चाहता है। तो पहले राजा महाराजा में बहुत देखा जाता था, एक राजा है, दूसरा राजा कुछ नहीं कर रहा है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उस पर आक्रमण करेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा है उसको, उसकी सत्ता उसे मिलेगी, उसका ज़मीन उसके मिलेगा, राजपाट, हाथी, सेना, सब ये होगा। तो अकबर जो बहुत, आप इतिहास के पन्नों में अकबर का बहुत बड़ा हाथ है, अकबर यानी कि अकबर, हुमायूं, बाबर, ये मुगल का मुख्यतः अकबर का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, चर्चा देखा गया है। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं मुगल काल में, मुगल काल में झारखंड की क्या स्थिति थी। तो मुगल काल का शुरुआत हुआ था 1526 में, अपना ये कर लिया था, तो उसमें बाबर था। तो उसमें झारखंड में जो है तो शेर खां जो 1528 ईस्वी में बिहार, दक्षिण बिहार का शासक था, ये अफगानी था, अफगान का रहने वाला था। झारखंड एक ऐसा प्रदेश माना जाता था जो कि आदमी कोई भी रह सकता है, मतलब छुपने का बहुत अच्छा जगह था। आप कहीं से लड़के आइए और छुप गए, ऐसे भी कोई क्रिमिनल वगैरह को क्राइम करके देखते होंगे कि आप लोग कोई क्राइम किया और जाके कहीं भी छुप गया, कोई जगह होता है कि क्राइम किया, पुलिस ढूंढ रही है। हाल ही में घटना घटी थी आपका मांझी में, कोई केस हुआ था जिसमें पुलिस ने 5 लाख का इनाम रख दिया कि 5 लाख इनाम लाइए, उसे ढूंढिए, 5 लाख का ये ले जाइए, इनाम ले जाइए। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो मुगल काल में झारखंड का ये शेर खां का जो था, शेर शाह सूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, शेर खां का शासन था, जो झारखंड में दक्षिण बिहार का शासक बना। तो झारखंड के जो राजा थे, चेरो राजा नागवंशी राजा, उन लोग को कोई मतलब नहीं था कि हमको कोई सत्ता चाहिए या फिर दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं, कुछ नहीं। उन लोग का ज़िंदगी बस रहे चलता बहुत अच्छे तरह से चल रहा था, उन लोग का ये टैक्स भी आ रहा था, ज़मीन का जो भी लगान उगान जो भी है सब कुछ, कोई मतलब नहीं किसी से क्या करना है, कैसे सत्ता हासिल करना है, कोई मतलब नहीं है, बस अपना ज़िंदगी चल रहा है किसी तरह, मतलब किसी तरह नहीं, मैंने अच्छे से। और कोई कोई का जिद होता है, जैसे आप सिकंदर का नाम सुने होंगे, विश्व विजेता माना जाता है उसे, हमें हासिल करना। लेकिन झारखंड में वैसा कोई मेंटेलिटी, कोई राजा नहीं थे, बस उनको अपने राजपाट से मतलब था, अपने राजपाट तक ही सीमित रहते, सबका बांटा हुआ था, रामगढ़ का इधर, चेरो का इधर, सबका नागवंशी का इधर, सबका अपना बांटा हुआ था। तो शेर खां जो था झारखंड में 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना। और उसके बाद जो था यहाँ का, उस समय जो है चेरो राजा थे, महारथ चेरो, कहने को तो राजा थे, लेकिन जो भी आदमी यात्रा करने के लिए जाता था, आपको पता है कि झारखंड से जो है सो उड़ीसा, जो कि उड़ीसा बहुत नज़दीक होता था,
उड़ीसा नज़दीक है यहाँ से, बंगाल नज़दीक है, तो जितने भी व्यापारी लोग थे अगर व्यापार करना हो तो वह झारखंड का इस्तेमाल करते थे क्योंकि यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता था। राजमहल होते हुए आप अगर जाइएगा तो सीधे बंगाल पहुँच जाइएगा। राजमहल ट्रैम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है राजमहल का। तो अगर कोई भी व्यापार करना चाहा या फिर व्यापार करने के लिए रास्ता का उपयोग करता था या फिर कोई सेना भी हुआ तो व्यापारी के लिए इसका उपयोग करता था कि हाँ भाई व्यापार करने जा रहे हैं। तो कोई भी आदमी चाहता है कि कोई भी अगर हम भी आप या कोई भी आदमी व्यापार करना चाहेगा तो अगर आपको यहाँ से आपको उड़ीसा जाना है तो आप ऐसा थोड़ी है कि पहले आप बंगाल जाइएगा, बंगाल से घूम कर जाइएगा, आप सीधा सीधे जहाँ तक सबसे नज़दीक का रास्ता होगा वो अपनाइएगा। तो जस्ट लाइक वही होता था। तो बहुत सारे जो व्यापारी थे, राजा महाराजागण जो भी थे, वो झारखंड का इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। कोई बंगाल जाता था, कोई उड़ीसा जाता था, कोई छत्तीसगढ़, क्योंकि नज़दीक था। तो उसी क्रम में उस समय का राजा थे राजा चेरो, राजा महारथ, महारथ चेरो जो पलामू के राजा थे, वो करते क्या थे कि अपनी सेना के साथ मिलकर जो अपने क्षेत्र की जो इलाका था उन लोगों को छोड़कर, व्यापारी जन को, परिचित को या फिर जो नज़दीक के राजागण थे उन लोगों को छोड़ के, ये लोग क्या करते थे कि दूसरे को, जो दूसरे राज्य से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, उनको लूट लेते थे, उनको लूट लेते थे, लूट कर अपना जो है सो बच्चा से बढ़ाते थे। तो इनको लूटने का काम था महारथ। इससे परेशान हो गया शेरखा, शेरखा जो है परेशान हो गया। अब करते ही लूटने का काम तो करते ही थे, ये करते क्या थे कि जब शेरखा दक्षिण बिहार में नहीं होते थे, पता चला कि शेरखा तो है ही नहीं है, तो चलो दक्षिण बिहार के भी लूट लेते थे, मतलब दक्षिण बिहार तक भी चले जाते थे लूटने के लिए कि आज वहाँ से लूट के आना है, पता चलना चाहिए। तो तंग आ गया कि भाई अब इसको जो है, अब जो है शेरखा चले, पता चला गया कहीं भी चले गए हैं घूमने के लिए, पूरा परिवार जा रहे हैं हम लोग दक्षिण कोरिया या फिर कहीं भी थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं, और घर में चोरी हो गया, पता ही है, कहीं आप बैठे हुए हैं, कहीं आप घूमने गए सब परिवार कि चलो आज हॉलीडे मना के आते हैं, अब पता चला कि पूरा घर में फ्लैट में चोरी हो गया, 10 लाख 20 लाख। तो वही होता था। तो शेर खां के अनुपस्थिति में दक्षिण अनुपस्थिति में ये जो थे महारथ चेरो, महारथ जो राजा थे, वो दक्षिण बिहार तक चले जाते थे लूटने के लिए, वहाँ से लूट के आते थे। परेशान हो गया आपका ये शेर खां, बोले कि उनका सेनापति था ख्वास खां, ख्वास खां बोले भाई इससे तो परेशान हो गए हैं, तुम ऐसा करो तुम इसको हरा के आओ या फिर हमको इसका इसको मार के आओ या फिर इसको इसका सत्ता जो है छीन के आओ। तो ख्वाइश खां जो है उन्हें 1538 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1538 में ख्वाइश खां चेरो राजा के साथ युद्ध हुआ, दोनों का चेरो राजा के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में महाराज चेरो हार गए। ठीक है, तो हम कहाँ थे, मुगल काल में, मुगल काल में थे। तो 1526 में पढ़े, उसके बाद फिर लोग पढ़े कि झारखंड में उसमें किसका, 1526 में उसमें किसका शासन था, शेरखां का। शेरखां का शासन नहीं था, मतलब उसका अधिकार क्षेत्र माना जाता था, तो शेरखां का था जो कि सुरसा सूरी था। ठीक है, तो ये 1528 में दक्षिण बिहार का शासन बना। अब 1538 में ये ख्वाइश खां को, ख्वाइश खां का सेनापति था, वो चेरो राजा के विरुद्ध, जो कि उनका नाम महारथ चेरो था, की हार हुई। ठीक है, अभी तक तो आप लोग अच्छा समय में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए। अब मुगल काल में आपका ये देख लीजिए शेर खां का, तो शेर खां पूरा झारखंड में अपना वर्चस्व बरकरार रखा और आराम से जिंदगी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या होता है कि अकबर का कब समय आता है, अकबर का कब समय आता है, 1526। हाँ, हम हुमायूं की चर्चा किए थे, तो हुमायूं जो है, हुमायूं का सिर्फ इतना ही चर्चा मिलता है कि हुमायूं जो है सो मुगल काल में झारखंड में सिर्फ एक ही दस्तावेज मिलता है, वो कि लड़ाई करते करते वहाँ तक गुरकुंडा तक आ गया था, गुरकुंडा तक आया था हुमायूं। हुमायूं का सिर्फ इतना ही चर्चा मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे मुगल काल में, तो अकबर के काल के समय में झारखंड 1526 से 1556 से 1605 ईस्वी में, तो अफगानों का दमन, इसका दो पीरियड हम बांट दिए हैं अकबर के काल में, दो पीरियड, 1556 से 1576 जो कि शुरू हो रहा था, उस समय क्या हुआ था, जिस समय आया था अकबर उस काल में क्या क्या हुआ था, और 1576 में 1605 तक, मतलब उस समय जब अकबर आया था शुरू में तो उसका क्या हुआ था, वो क्या कर रहा था। तो जिसमें आया मतलब शुरू हुआ, अफगानों का दमन करने लगा, मतलब कि अफगान को हटाने लगा झारखंड से, कि अब जो है सो झारखंड में हमारा सत्ता होगा, आप लोग हट जाइए। तो कोशिश किया हटाने का, तो कोई भी चीज़ कहीं पे बना हुआ है, आप कहीं पर अपने घर में रह रहे हैं, आपको बोलेगा अचानक कि आप इस घर से निकल जाइए, तो बिना विरोध किए तो आपको हटेगा नहीं। तो वही हुआ, विरोध करने लगे, तो विरोध में जो है अफगानों में हाजी बंधु जुनैद, हाजी बंधु और जुनैद इनका नाम मिलता है इतिहास में, जो कि अफगान के थे, जो कि इतिहास में ये झारखंड पे कब्जा किए हुए थे,
हाजी बंधु और जुनैद, तो इन लोग का युद्ध होता है अकबर की सेना से, वो होता है रामपुर में, ठीक है, जो कि अभी रामगढ़ में स्थित है, रामपुर में युद्ध होता है जिसमें अफगान का अफगानों की हार होती है, मतलब झारखंड से अफगान पूरी तरह से हट जाते हैं। ये समय क्या हुआ, पहले आया आपका मुगल काल में, पहले आया बाबर, बाबर के समय में आया, उसके बाद फिर उसमें अफगान का क्षेत्रीय राजा लोग थे, क्षेत्रीय राजा लोग जो थे जो अपना छोटा छोटा राज्यपाट चला रहे थे, तो फिर शेर उसमें से जो मेन टॉपिक था जो जानने लायक था वो था चेरो राजा, चेरो राजा जो कि लूटपाट करता था व्यापारी लोग के साथ, तो उससे तंग आ गए कौन, शेर खा तंग आके उसके बाद फिर अपना उसको हरा दिए, हरा देने के बाद फिर उनका था अफगान का ये अफगान का शासन होने लगा। तो अफगान का शासन होने लगा तो अकबर में क्वालिटी ये था कि वो कोई भी जगह या कोई भी स्थान पर हासिल करना चाहता था तो पहले उसकी पूरी जानकारी लेता था। तो होता क्या था कि इन लोग का जो है अफगान जब भी सेना से लड़ाई हुआ अकबर की सेना से या मुगलों की सेना से लड़ाई होता था तो लोग भाग के झारखंड में छुप जाते थे, भागते हुए आया झारखंड में छुप गया और अकबर की सेना ढूंढ रही है। तो फिर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरा बार, मतलब ऐसा दो तीन बार हुआ तो अकबर की सेना ने अकबर से कहा कि महाराज ऐसा है कि हम ये लोग जहाँ छुपता है वो बहुत अच्छा जगह है, रहने लायक जगह है, खनिज भी बहुत है। तो फिर अकबर ने सोचा कि अब इसे झारखंड को कब्जा कर लिया जाए। तो कब्जा करने के लिए सबसे पहले होता है कि जो उस पर सत्ता पे है, जो सत्ताधारी है, पहले उसको हटाना पड़ेगा। तो अकबर ने यही सोचा कि वहाँ पहले इसे हटाना पड़ेगा। इन्हें ये पता चला था कि यहाँ पे हीरा भी मिलते हैं काफ़ी मात्रा में, लौह पदार्थ भी मिलते हैं, यहाँ का हाथी बहुत फेमस है, एक अफगानों के पास एक हाथी हुआ करता था जो कि चेरो राजा से जीता था, इसको श्याम सुंदर हाथी जो कि हिस्ट्री में आपको मिलेगा, बुक में क्वेश्चन एक बार शायद क्वेश्चन पूछा भी है इसे, मुझे याद नहीं है पर क्वेश्चन आया कि श्याम सुंदर हाथी जो है चेरो राजा के पास था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, जो कि अफगानों ने चेरो राजा से जीता था। तो ये बात पता चला अकबर को कि अकबर के कि मुगलों के पास ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अफगानों को दमन मतलब हटाने की कोशिश करने लगा, सेना को बढ़ाने लगा, सेना को भेजने लगा, हार्डली जो है फाइनली जो है हाजी बंधुआ जुनैद को हटा दिया गया 1556 से 1576। इसका कोई फाइनल डेट पता नहीं है हिस्ट्री में, पर यह माना जाता है कि 1556 से 1576 के बीच में रामगढ़ में एक युद्ध हुआ था जो कि पहले का रामपुर था, ये इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ का पुराना नाम क्या था, रामपुर। रामपुर में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद अफगान सेना पूरी तरह से हट चुकी थी, कहाँ से, झारखंड में अफगान सेना पूरी तरह से हट चुकी थी। ये हुआ अकबर का शुरुआती टाइम, मतलब जिस समय झारखंड पे आक्रमण करके वो शुरू करना चाह रहा था, अपना पैर फैलाना चाह रहा था। अब बात आती है 1576 से 1605 में, अब जो यहाँ तो जीत लिया, अब जीतने के बाद जो है अब करना क्या है भाई, अब तो सब जितने यहाँ पर छोटे छोटे राज बटे हुए थे, चेरो राजा हो गए, नागवंशी राजा हो गए, इन लोगों को करना क्या था, तो इन लोग से बात किया गया कि आप लोग क्या चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं या फिर जो है सो युद्ध करना चाहते हैं या फिर हमसे हम लोग को टैक्स देना चाहते हैं। तो इनमें से बहुत सारे राजा लोग थे, चेरो राजा लोग थे, मैं अभी चर्चा करूंगा कौन कौन से राजा थे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है, लिखने से या देखने से कम याद होता है, सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो कुछ कुछ राजा लोग थे वो बोले कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हमको तो लड़ाई करना है। उनमें से एक थे नागवंशी राजा, उनको अकबर की सत्ता का और उनके पावर का पता नहीं था, नागवंशी राजा बोला कि मैं आपसे युद्ध करूँगा, तो उन्होंने युद्ध किया और बाकायदा हारे भी, ठीक है। तो ये शुरुआत होता है 1576 से 1605 में, 1605 में सबको मिलाने का कोशिश किया गया, जितने राजा वर्ग थे यहाँ पे, चेरो राजा, नागवंशी राजा, सबसे बात करने का, सारे राजा लगभग बोले कि मैं आपको टैक्स दूंगा, हमारी सत्ता हमें बरकरार रहने दे, मतलब हमारी सत्ता हमारे स्थिति पर छोड़ दे, मैं आपको टैक्स दूंगा और इसका लगान दूंगा। तो ये 1585 ईस्वी में अकबर की सेना ने कुखरा, जो कि नागवंशी राजा थे, कुखरा नागवंशी राजा मधुकर के साथ विजय हुआ 1585 ईस्वी में। तो सबको बोला गया कि आप जो है सो अपना सत्ता छोड़ दीजिए या फिर हमको टैक्स दीजिए, अपना राजपाट मेरे हवाले कर दीजिए। तो मधुकर जो थे, मधुकरण जो थे, कुखरा में इनकी राजधानी थी, तो वो बोले कि नहीं आपसे हम युद्ध करेंगे, युद्ध में इनकी हार हो गई क्योंकि 1585 में युद्ध हुआ था, युद्ध में इनकी हार हो गई, इनसे बंदी बनाकर
मुगल शासक जो थे अकबर, उनके पास ले गया गया, तो इनकी व्यवहार के कारण इन्हें छोड़ दिया गया। बोले कि इस बार माफ़ कर दीजिए, अगला बार जो भी अपना बोले होंगे, तो ये इनको छोड़ दिया गया व्यवहार के कारण। और व्यवहार के कारण छोड़ देने के बाद फिर इन्हें वहीं भेज दिया गया, लेकिन इनको राजपाट नहीं दिया गया मधुकर को। उसके बाद आते हैं मानभूम। मानभूम में, मानभूम जो है इसी पीरियड की बात है, मानभूम हजारीबाग, मानभूम हजारीबाग 1590 से 91 में। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयने अकबरी में इस दिन इस तारीख की चर्चा मिलती है, आयने अकबरी में इस दिनांक की चर्चा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि 15,500 मालगुजारी जो है हजारीबाग के क्षेत्र देते थे मुगल काल में, यही चर्चा मिलती है 1500। ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह इस समय 1590 में, 1590-91 में इस रास्ते से, मतलब हजारीबाग होते हुए गुजरे थे। तो आयने अकबरी में इसकी चर्चा की गई है कि 15,500 मालगुजारी जो है उसमें दिया जाता था। देखिए, मुगल जो है सो झारखंड पे आक्रमण किए, उसका राजनीतिक कारण भी था और आर्थिक कारण भी था। यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति थी, हीरे का, मतलब यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो थे, हीरो की अच्छी परख होती थी यहाँ पे जो है, तो हीरे की अच्छी परख होती थी, वो पहचान लेते थे कि हीरा कैसा। बहुत से अनोखी चीज़ थी, हाथी था यहाँ का बहुत फेमस, जैसे पहला क्लास में आपको बताया होंगे कि हाथी था। यहाँ का लोहा बहुत मजबूत होता था, लोह पदार्थ यहाँ का काफ़ी मजबूत माना जाता था। तो अकबर सोचा कि अगर मैं यहाँ पर सत्ता हासिल करता हूँ तो दो तीन फायदा है। पहला कि एक सेंट्रल जोन हासिल हो जाता है, कि यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको सेंट्रल जोन कहने का मतलब है कि यहाँ से बंगाल भी नज़दीक है आपका, उड़ीसा भी नज़दीक है, जो कि काफ़ी कम समय में यहाँ से हासिल आदमी जा सकता था। और इस जगह जो है पहाड़ी इलाका होने के कारण, यहाँ उबड़ा खाबड़ा या फिर मतलब कोई भी समतल चीज़, मतलब बिहार के क्षेत्र में देखिएगा आप तो सीधा समतल होता है, पहाड़ी इलाका होता नहीं है। तो युद्ध के क्षेत्र में भी बहुत बचाव का कारगर माना जाता था। तो अकबर ने इसे हासिल करने के लिए अपना जो है वर्चस्व बढ़ाया, 1585 ईस्वी में खोखला पर विजय प्राप्त किया। अब मानभूम हजारीबाग जो कि पहले मानभूम हजारीबाग माना जाता था, 1590 में 91 में यहाँ से वो गुजरा था राजा मान सिंह। तो ऐसा आयने अकबरी में लिखा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आयने अकबरी में कितने मालगुजारी की चर्चा की गई है, तो आपको 15,500 मालगुजारी दी जाती थी। अब ये डेट है आपका 1589 में, 1589 में राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया गया था, बिहार का सूबेदार बना दिया गया था। वो किसके अधीन थे? वो थे मुगल के अधीन, मतलब अकबर के अधीन थे। ठीक है, राजा मान सिंह को उन्होंने 54 हाथी जो कि प्रशिक्षित कर कर 54 हाथी है ना मुगल दरबार में भेंट किए थे। कब किए थे? 54 हाथी भेंट किए थे। तो पहला चर्चा हम लोग क्या किए, 1528 में मुगल काल में जब चर्चा करेंगे, तो पहला चर्चा जो इम्पोर्टेंट डेट था वो 1528 था। 1528 में क्या हुआ था, दक्षिण बिहार का शासक कौन था? शेर खां। दक्षिण बिहार का शासक शेर खां, ठीक है, शेर खां कौन था? दक्षिण बिहार का शासक। 1538 में क्या हुआ था, महारथ जो कि चेरो राजा थे। आपसे पूछेगा कि 1538 में कौन, 1538 में चेरों के राजा कौन थे? तो महारथ। ये राजा थे लेकिन व्यापारियों को लूटते थे, इससे परेशान होकर इन पे युद्ध हुआ 1538 में, और किसकी हार हुई? महारथ की। ठीक है, महारथ की हार हुई। किसके अधीन हुआ था ये? ये हुआ था आपका शेर खां के अधीन में। शेर खां कहाँ का था? तो अफगान का रहने वाला था। अब आता है 1556। 1556 में क्या हुआ था? देखिए 1556 में क्या हुआ था, ये आपका अकबर का पीरियड था, पहला इनिशियल पीरियड। उसमें क्या किया? ये किया क्या कि अफगानों का दमन किया, अफगानों को हटाया झारखंड से, अफगानों को झारखंड से आया ताकि झारखंड में अपनी सत्ता बरकरार रखे, अपना सत्ता कायम कर सके। और ये जो पीरियड है 1576 से 1605, ये राजाओं का मिलाने का काम था। उनकी सत्ता बरकरार रखने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स देना पड़ता था या फिर राजा जो नहीं मानते थे उसमें युद्ध का काम था। युद्ध का ये पीरियड माना जाता है झारखंड में। तो पहला चीज़ हम लोग क्या सीखें कि मुगल के समय में जो है सो इम्पोर्टेंट डेट ये हो गया। और मुगल झारखंड पे आक्रमण मतलब अपना क्षेत्र कायम नहीं करना चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि हम अपना क्षेत्र अछूता था, मतलब
मुगल से झारखंड बिल्कुल अछूता था, मतलब उसको झारखंड कह सकते हैं कि झारखंड को पता ही नहीं था कि झारखंड भी कोई क्षेत्र है। लेकिन झारखंड में अट्रैक्ट करने का काम कौन किया, अट्रैक्ट करने का काम किया अफगान। अफगान लोग करते क्या थे कि मुगल से लड़ाई करके, क्योंकि उनकी उनकी जो है सो दुश्मनी कहिए या फिर वर्सेस कहिए, या मान लीजिए झारखंड भारत और पाकिस्तान में अगर मैच होता है तो जिसकी हार हुई, पाकिस्तान की हार हुई, तो हम लोग ये तो इंटरटेन के लिए देखते हैं। लेकिन पहले का ऐसा नहीं था, ईगो उसमें बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस काल में। राजा अगर कोई दूसरे राजा की सेना को भी हरा देता है तो सोचता है कि नहीं, उसकी सत्ता को ख़त्म करना है। तो ये झारखंड को फोकस में लाने का काम, केंद्र में मतलब बताने का काम कौन किया था, अफगान किए थे। अफगान ये बताएं कि झारखंड भी कोई प्रदेश है। तो जब मुगल से अफगानों की लड़ाई होती थी तो झारखंड में आकर छुप जाते थे। छुप जाने से उन लोगों को पता नहीं चलता था कि कहाँ पर गए हैं, उन पर कैसे आक्रमण करना है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा था, जंगल पत्थर से घिरा हुआ था, पहाड़ से घिरा हुआ था। कौन सेना कहाँ पर छुपी इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होती थी। इसी कारण से इसका उपयोग अफगान करते थे। तो मुगलों की सेना ने अफगानों का पीछा करते करते झारखंड में आया। दो से तीन बार आक्रमण करने के बाद उन्हें यह ज्ञात हो गया कि झारखंड जो है सोने की चिड़िया है। अगर हम यहाँ पे अपने जगह बना लेते हैं, जगह बनाने के बाद हम इसे काफ़ी देर से इसे फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ के हाथी था कोई, देखिए हिस्ट्री में या कोई चीज़ में कोई भी कारण जो होता है कोई अट्रैक्टिव चीज़ के कारण होता है। जैसे कि आप खिलजी का एक मूवी आया था, उसको मूवी का नाम नहीं है मुझे पता, तो वो मूवी भी कुछ इसी कारण से हुआ था कि उनकी अर्धांगनी को, कोई राजा थे उनकी अर्धांगनी को देख लिया था, तो खिलजी जो है सो चाहता था कि उसे एक बार देखना। तो कोई भी चीज़ वही झारखंड में हुआ कि यहाँ बहुत चीज़ फेमस होने के कारण जो है सो चाहा कि हम इसे हासिल कर लें। जैसे कि श्याम सुंदर हाथी का चर्चा किए हम, श्याम सुंदर हाथी जो है यहाँ का बहुत ही फेमस था। अब बोलेगा हाथी था तो फेमस कैसे था, तो हाथी इसलिए फेमस था क्योंकि वह काला हाथी नहीं था, श्याम सुंदर हाथी बिल्कुल वाइट हाथी था, बहुत ही अट्रैक्टिव, और वह मतलब सिखाया हुआ ट्रेनिंग ट्रेड हाथी माना जाता था। तो ये सब देखकर अकबर मुगलों की सेना जो है सो अपने शासक को, अपने राजा को बताया, तो राजा बोले, अकबर बोले, मतलब बाबर तो कुछ नहीं किया, लेकिन अकबर ने अपना केंद्र बनाया, ऐसे सोचा कि इसे हासिल करना है। तो हासिल करने का पीरियड, ये जो पीरियड है ये 1556 से 1576, ये माना जाता है अफगानों का दमन, मतलब अफगानों का ख़त्म करने का समय। और ये 1576 से 1605 ये अपना वर्चस्व बढ़ाने का समय माना जाता था। तो दो पीरियड है, पहला शुरू का और दूसरा लास्ट का, ठीक है। ये है आपका शुरू का और ये है दूसरा लास्ट का। जब भी आप नोट्स बनाइए या फिर कोई चीज़ पढ़िए, तो आप अगर बीच में नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ अकबर का या फिर खिलजी का या फिर किसी भी गुप्तकाल लोधी वंश कोई भी वंश, तो आप उसका शुरू वाला मतलब शुरू का जो इनिशियली है, अब ये लास्ट का पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बीच की क्या कहानी हो सकती है। देखिए कोई भी शुरुआत किसी चीज़ से होती है तो उसका अंत भी निश्चित है। हिस्ट्री इतिहास में ऐसा माना, इतिहास गवाह है कि जो स्विच आया है वो ख़त्म भी होगा, और जो जितना स्पीड से आया है उतना स्पीड से ख़त्म भी होगा। तो दो चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं दो पीरियड लिखवा दिया हूँ। पहला 1576 जिसमें अकबर आया। अब देखिए कि अब अकबर का ही चर्चा मैं बार बार मुगल का मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अकबर ही जो था वो झारखंड को अपना झारखंड को हासिल करने के लिए मतलब कोशिश किया, या फिर इतिहास में उसकी ज़्यादा अधिक चर्चा की गई है। तो 1576 और ये 1576 और ये 1605। तो अब हम अगले क्लास में करेंगे कि अकबर ने झारखंड में क्या क्या काम किया, वह किस तरह झारखंड में अपनी सत्ता बनाया, और कितना टैक्स जाहिर किया वह, और क्या क्या नुकसान हुआ झारखंड को और क्या फ़ायदा हुआ, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।